हाय दोस्तों, मैं हूं प्रबुल। आज हम बात करेंगे ल्यूमिनस का। मैंने एक इन्वर्टर लिया है, जेलियो प्लस 1100 V2 12 वोल्ट का। तो उसका मेरा थोड़ा सा इश्यू हो गया है, तो उसका वारंटी पहले कैसे रजिस्टर करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद उसका मैंने जस्ट अभी कंप्लेंट भी रेज कर दिया कि वो डिस्प्ले का इश्यू हो गया। डिस्प्ले जो है वहाँ पे बहुत ही डिम हो गया है, तो उसके बारे में मैंने कंप्लेंट रेज किया। तो उसका पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसका कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद किस तरह से हमें कंप्लेंट भी रेज करना है, तो वो पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए, पूरा वीडियो आप आखिर तक देखिए, आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपके पास कोई भी ल्यूमिनस का आपने प्रोडक्ट लिया है तो उसका वारंटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में हम आज जानेंगे। क्योंकि मैंने एक ल्यूमिनस का इन्वर्टर लिया है तो उसका मुझे वारंटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए मैं कुछ देख रहा था वारंटी रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, तो सोचा आपको भी बता दूँ, आपके भी काम आएगा। पहले तो आपको इस वेबसाइट से जाना है। ये वेबसाइट यहाँ पे डालने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वारंटी रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू रहेगा ल्यूमिनस के प्रोडक्ट के साथ, तो आप यहाँ पे नीचे गए डिटेल्स थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये care@luminousindia.com इस पर आप मेल कर सकते हैं आपका जो भी इशू है उसके बारे में, या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप पे इस पर क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप अकाउंट आपका जो ओपन है वहाँ पे आपको एक डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप हाई डाल देंगे तो आपको इस तरह से मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट रजिस्टर करना है यानी कि वारंटी रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो प्रेस किया, यहाँ पे रिप्लाई दिया दो का, तो उसके बाद मुझे ये लिंक मिली थी। यहाँ से मैंने क्लिक करने के बाद ये आपको वेबसाइट पर लेके जाएगा, फिर आपको पेपरलेस वारंटी उसके नीचे जो डिटेल है वो फिल करना है। तो कैसे करना है अभी हम देखेंगे। पूरी डिटेल है, आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है, जैसे कि नेम है, ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, पिन कोड है, और आपका सिटी लिखना है, स्टेट लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, वहाँ पे आपको जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी प्रोडक्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने अभी इन्वर्टर लिया था तो यहाँ पे इन्वर्टर सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद 14 डिजिट का जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इमेज में आपको यहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से और कहाँ पे सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करना है। चूज इमेज पे यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इनवॉइस अपडेट कर देना है। चूज इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो भी इनवॉइस रहे वहाँ पे अपलोड कर देना। जब भी आप परचेस प्रूफ अपलोड करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका फाइल फॉर्मेट जो है ये तीन में से ही रहेगा, जेपीजी, जेपीजी और पीएनजी, और मैक्सिमम फाइल साइज जो है 1 MB तक ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। तो 1 MB के ऊपर की फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकती, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे उसका नाम जो फाइल का रहेगा वो दिख जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे फाइल अपलोड हो गई है। उसके बाद तुरंत ही सबमिट पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट हो गई है। अब हम देखेंगे कोई कंप्लेंट है वो कैसे रेज करना है और किस तरह से आपको उसका रिस्पांस मिलेगा, उसके पूरा डिटेल मैं आपको बताते रहूँगा। तो अभी मैं कंप्लेंट रेज करने के लिए जा रहा हूँ। ल्यूमिनस का जो वेबसाइट है उस पर जाना है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट करके लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का ये आपको पेज देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने रजिस्टर प्रोडक्ट किया था, अभी बुक का कंप्लेंट करना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। बुक कंप्लेंट में आपको कस्टमर टाइप मिलेगा, कस्टमर टाइप कस्टमर, टाइप ऑफ क्वेरी में एस्केलेशन, वारंटी रजिस्ट्रेशन, सेल्स इंक्वायरी, अदर इंक्वायरी। तो यहाँ पे हम एस्केलेशन में डाल देंगे क्योंकि हमारा सेल्स इंक्वायरी या अदर इंक्वायरी नहीं है, हमें यहाँ पे कंप्लेंट करना है। पूरा डिटेल में यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पे फुल नेम, पिन कोड, इंटर सिटी और पूरा यहाँ पे ये डिटेल फिल करना है। प्रीफर्ड लैंग्वेज कौन सा है वो भी डाल देना है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, तो हिंदी में डाल दिया हमें। तो क्वेरी भी आपको लिखना है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है वन बाय वन। पहले मैं ये जो बेसिक डिटेल है वो फिल कर लेता हूँ। आपके पास अगर आपका कोई अल्टरनेट नंबर रहेगा तो वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। अब हम डालते हैं अबाउट योर क्वेरी, वो पूरा डिटेल जो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो मैंने जो डिस्प्ले का इशू है यहाँ पे हाईलाइट किया है। यहाँ पे अब हम चूज इमेज करके, अभी मैंने यहाँ पे कैटेगरी इन्वर्टर लिया है, तो इन्वर्टर का मुझे क्या इशू है वो यहाँ पे मैं इमेज यहाँ पे प्रूफ करके डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप एरर देखिए, यहाँ पे आपको 30 KB तक की इसकी फाइल होनी चाहिए। तो मैंने ये कंप्रेस कर दिया है 29 KB तक, उसके बाद अभी ओपन कर दूंगा। यहाँ पे भी आपको अगर अटैचमेंट करना है तो उसमें भी PDF फॉर्मेट नहीं चाहिए, JPG या कोई भी अलग फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। अभी उसी इमेज को JPG में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। चूज फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने ये फाइल कंप्रेस कर दी, तो अभी यहाँ पे ये लग गया। अभी इसको मैं कर दूंगा सबमिट। जैसे ही सबमिट कर दूंगा ये आपको
मैसेज मिल जाएगा। अब हम देखते हैं मेल पे कुछ हमें आया है कि नहीं। हमें इस तरह से डिटेल पूरी मिल जाएगी। मुझे एक मेल आया, इसमें पूरा जो भी मैंने डिटेल अभी मेंशन किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही वो हमारे कंप्लेंट पे एक्शन लगे तो हमें मेल भी आ जाएगा या फिर वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा उसका भी मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, यानी कि प्रोसेस आपको समझ में आ जाए किस तरह से कंप्लेंट रेज करना है और जो ल्यूमिनस है उसका कस्टमर केयर किस तरह से हमें रिस्पॉन्स देता है और उसका किस तरह से सोल्यूशन देता है, तो वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इन्वर्टर परचेस करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही साथ ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।